हाय किड्स, हाय सर। आज हम पढ़ने वाले हैं गिबली एंड द बिग बॉक्स। डू यू रिमेम्बर गिबली द आंट इन द मैजिक मैथ मैजिक बुक 3? देखो, थर्ड क्लास में हमारे पास एक टॉपिक था इसका, ठीक है। वेल, वन डे गिबली सॉ अ बिग बॉक्स ऑन हर वे, इट लुक लाइक दिस। एक दिन क्या हुआ कि गिबली जो ये आंट है, ठीक है, इसको क्या दिखा रास्ते में, एक बॉक्स दिखा। गिबली मूव्ड अक्रॉस एंड टर्न लेफ्ट, नाउ सी कुड सी द अदर फेस ऑफ दिस बिग बॉक्स। अब देखो, सबसे पहले उसने जो बॉक्स देखा उसके एक साइड में क्या लिखा हुआ है, ये फोर। फिर वो क्या करे, वो दूसरी साइड चली तो वहां क्या लिखा हुआ था, फाइव। गिबली मूव्ड अक्रॉस द टर्न लेफ्ट, नाउ सी कुड सी द अदर फेस ऑफ द बिग बॉक्स। गिबली वाज कंफ्यूज्ड, व्हाट वाज दिस बॉक्स। सी क्लाइम्ड ऑन अ कप एंड ट्राई टू सी फ्रॉम देयर, द बॉक्स लुक्ड वन। अब फिर क्या किया, वो जो चींटी थी, फिर वो क्या चढ़ी, उस बॉक्स के ऊपर चढ़ी, ठीक है। उसने क्या वहां क्या देखा, वहां क्या लिखा हुआ था, वन। कैन यू गेस व्हाट दैट बॉक्स लाइक थिंग वाज, क्या रहा होगा ये, डाइस। क्या था ये, डाइस। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, पासा। वेरी गुड, हाँ, लूडो में जो होता है पासा। द नंबर ऑन द अपोजिट फेसेस ऑफ दिस बॉक्स एड अप टू 7। अब वो बोल रहे हैं कि ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, इनके जो अपोजिट साइड है, मतलब उनकी जो उल्टी साइड है, उल्टी साइड में और इधर की तरफ से जो नंबर लिखा हुआ है, उन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, 7, ठीक है। विच नंबर वॉज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 5? 5 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा फिर, 2। 2 ही तो होगा, 5 और 2 7। इन द पिक्चर विच नंबर विल बी एट द बॉटम, बॉटम में कौन सा नंबर होगा इस एक के नीचे, 6। विच नंबर विल गिबली सी इफ सी अगेन टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम 5? कितना, 3। व्हाट विल दिस बॉक्स लुक लाइक इफ यू ओपन इट अप, मार्क द करेक्ट पिक्चर। अब वो बोल रहे हैं इसके हिसाब से जो हमने ये नंबर्स लिखे हैं, प्लस जो ये यहाँ पर फिगर बना हुआ है, इस फिगर के हिसाब से इनमें से एक सही है, ठीक है। एक क्या है, सही है, ठीक है। अब ये बताना कि कौन सा सही है। सबसे पहले अब एक मिनट रुक जाओ, टोटल कितना होना चाहिए उनका अपोजिट साइड्स का, 7 होना चाहिए। माना हमारे पास एक ये फिगर है, एक माना ये फिगर है, ठीक है। अब ये फिगर देखो, फिगर को हम क्या कर लेते हैं, बिल्कुल सेम फिगर ये भी है, ठीक है। तो इस फिगर के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको मोड़ लेते हैं, ठीक है। बनना क्या है इससे, हम बनाना क्या है हमको इससे, डाइस बनाना है ना। ठीक हो गया, ऐसे होता है डाइस, यही है डाइस, ठीक है। अब देखो जी, अब यहाँ पर जितने भी ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, और कुछ ये नंबर्स ये भी लिखेंगे, अब इनके हिसाब से चलते हैं हम। माना जो सेंटर वाला जो है, सेंटर में सब में क्या है, ये 1, ठीक है। अब देखो, 1 के अपोजिट साइड में कौन सा नंबर आना चाहिए। अब 1 का अपोजिट साइड कहाँ आ रहा है, इधर, तो यहाँ क्या आना चाहिए, 6। क्लियर है, ठीक है। अब देखो, 1 और 6 कहाँ पर आ रहा है, इस वाले में आ रहा है 1 और 6, ठीक है, 1 और 6, ठीक हो गया, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 4 के अपोजिट, अब देखो 4 का अपोजिट साइड कहाँ आ रहा है, 4 का अपोजिट साइड ये है, क्या आना चाहिए यहाँ पे, 3। यहाँ पर है 2 का अपोजिट साइड ये है, क्या आना चाहिए, 5। क्लियर है, ठीक है। इसका मतलब जो हमारा ये आंसर्स हैं, चार हमारे पास ऑप्शंस थे ये, तो इसमें से कौन सा वाला सही है, ए वाला। अब देखो और भी चेक कर लेते हैं, देखो 6 का अपोजिट साइड यहाँ 5 था, तो इसका टोटल कितना हो गया, 11, ये गलत है। 2 और 6, 8, ये भी गलत है। 2 और 5, 7, ये सही है। लेकिन इसके और अपोजिट साइड देख लेते हैं, अभी दो अपोजिट साइड्स ही हैं, 6 और 3, 6 और 3 कितना होता है, 9, ये गलत है। 1 और 4, 5, ये भी गलत है। इसका मतलब देखो यही सही था, 5 और 2 7, 3 और 4 7, और 6 और 1 7। क्लियर है, यस सर।